Welcome, beta. The part number 3 and chapter is natural vegetation and wildlife resource. Class 9 geography. चलिए बेटा, कल हमने first two आपके type of forest किए थे, evergreen and deciduous. Now come to the third one, that is thorny forests and scrubs. ठीक है, in region with the less than 70. क्योंकि देखिए हमने कल बेटा deciduous पढ़ा था, तो deciduous की rainfall region क्या था? 200 to 100 and 100 to 70. उसमें दो categories थी. ओवरऑल हम कहें तो 200 टू 70. अब 70 से कम वाले जो एरियाज है उनमें हमें थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स काउंट करेंगे. देखिए, सो इन एरियाज में आपको बुशेस और ट्रीज में थॉर्नी बुशेस मिलेंगे. एंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन अ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री. नॉर्थ वेस्टर्न मीन्स जो राजस्थान और थोड़ा सा नॉर्थन गुजरात आपका इस एरिया में आपको मिलेंगे. इंक्लूड सेमिरिड एरियाज ऑफ गुजरात. और इसके साथ देखिए, एरिड तो होता है डेजर्ट एरिया जहां एयर इरोड करती है, इसको एरिड रीजन भी बोलते हैं बेटा. एयर का ज्यादा इरोजन होता है डेजर्ट में. सेमिरिड इसके साथ लगता हुआ एरिया भी है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कई एरिया इसमें काउंट होंगे. चलिए, सो इसमें दिया अकेसिया. इसके कुछ ट्रीज हैं, अकेसिया कीकर जो बोलते हैं हम, पाम ट्रीज, यूफोबिया, इसमें कैक्टस वगैरह कैटेगरी आ जाते हैं. कैक्टस एंड अदर मेन प्लांट ऑफ द स्पीसीज, ये कुछ मेन प्लांट्स हैं बेटा. ये भी आपके ओड वन आउट में आ जाते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में. ट्रीज आर स्केटर्ड. स्केटर मीन्स यहां वहां बहुत दूर दूर होते हैं बेटा. ठीक है, ज्यादा डेंस नहीं होते हैं. ट्रीज आर स्केटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इन टू द सॉइल टू ऑर्डर टू गेट द मॉइस्चर. तो मॉइस्चर लेने के लिए बेटा हम बात करते हैं, इनकी जो रूट्स है वो काफी डीप तक जाती है. और डिफरेंस है बेटा, अगर हम कहते हैं 1 मीटर का प्लांट है तो उसके नीचे रूट 10 मीटर की मिलेगी. 110 का रेशियो होता है लगभग. द स्टेम्स आर सकुलेंट टू कंजर्व द वाटर. और स्टेम्स वाटर को कंजर्व करने के लिए बेटा काफी हेल्थी बल्की जाती, सारा वाटर स्टोर करती है. एंड लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल मिनिमाइज इवेपोरेशन. लीव्स थिक हो जाती है, स्मॉल हो जाती है ताकि इवेपोरेशन कम हो. दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कब्स इन एरिड एरिया. तो ये फॉरेस्ट जो है थॉर्नी फॉरेस्ट या स्कब्स कहलाते हैं और मेनली एरिड एरियाज में होंगे. नीचे पिक्चर दी आपको जिसमें आपको सीन दिख रहा है, जिसमें कीकर और ये आपके यूफोबियास कैक्टस वगैरह शो किए, पीछे शेड्यूल्स दिखा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. आगे, इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल. तो इस टॉपिक में बेटा देखिए, एक तो रेनफॉल का है, एरिया दिया है, स्टेट्स दिए हैं, फिर आपके प्लांट्स के टाइप, और दूसरा दिया है एनिमल्स. तो इसमें जो एनिमल्स आपको मिलेंगे, रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्स एंड कैमल, ये कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज जो यहाँ सर्वाइव कर सकती है, जिन्हें अपने आप को अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग. ठीक है, अब चलते हैं माउंटेन. माउंटेन से ही माउंटेन बनाए बेटा. ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट. अब ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, इसके पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं. हाइट वाइज बेटा इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं. ठीक है, थोड़ा वेरिएशन मिलता है माउंटेन्स पे, तो अच्छे से नोट करना. इन माउंटेन एरिया द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड. हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. इसके साथ बेटा वेजिटेशन में काफी डिफरेंस मिलता है माउंटेन फॉरेस्ट में. ठीक है, सो इन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन एज सच देर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन. तो जो हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, जो इक्वेटर से लेके हम पोल्स की तरफ जाते हैं बेटा, ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, जो डिफरेंस हमें वहां मिलता है वेजिटेशन में, वो हमें माउंटेन्स पे हाइट पे ऊपर एल्टीट्यूड बढ़ने पे वही डिफरेंस मिलेगा. ठीक है, जो फैक्टर्स में हमने पढ़ा था याद हो तो. देखिए, स्टार्ट करते हैं मेरा फर्स्ट. तो फर्स्ट कैटेगरी यहां दी है द वेट टेम्परेट टाइप. वेट मीन्स बारिश ज्यादा होती है. वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 to 2000. तो इनकी माउंटेन्स का जो बेस वही स्टार्ट ही बेटा 1000 से होता है. तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में आपको फॉरेस्ट मिलेंगे वेट टेम्परेट टाइप. ठीक है, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज. अब इसमें क्या मिलेंगे, एवरग्रीन ब्रॉड निचोड़े पत्ते वाले ट्रीज मिलेंगे. ओक, चेस्टनट और प्रीडोमिनेंट, ये ज्यादातर डोमिनेट करते हैं ओक और चेस्टनट एरिया में. ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन 1500. अब देखिए सीधा 2000 नहीं, इससे पहले शुरू हो गया 1500 से 3000, राइट, 1500 to 3000 मीटर द टेम्परेट फॉरेस्ट. अब ये वेट टेम्परेट थे, अब ओनली टेम्परेट फॉरेस्ट है कंटेनिंग कॉनिफर्स ट्रीज. यहाँ कॉनिफर्स ट्रीज आ जाएंगे बेटा, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, सैप्रस और केदार, ये फेमस आपके कॉनिफर्स ट्रीज है. कोनिकल इनकी बॉडी होती है इससे की ट्राइंगल टाइप की. ठीक है, तो इनके नेम लेन गई ना, पाइन, देवदार, सिल्वर फर एंड सैप्रस एंड केदार. इसी सिक्वेंस में याद करो, आपको पांचों याद रहेंगे, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, सैप्रस एंड केदार. ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी जो हाइट 1500 to 3000 मीटर है. चलिए आगे चलते हैं. दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप. अगर हिमालय की बात करें, सबसे ज्यादा बड़े इन्हीं फॉरेस्ट ने कवर किया है, कॉनिफर्स ट्रीज ने. ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट ने. साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालय प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन द साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एट हायर एलिवेशन. अब इसके बाद थर्ड पे चलते हैं बेटा,
टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन, इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड आ जाएंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट खत्म हो गए 3000 में, तो बीच में ग्रासलैंड आएंगे बेटा टेम्परेट एट हायर एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600। तो 3600 मीटर के ऊपर अबाउ द सी लेवल आपके टेम्परेट ग्रासलैंड स्टार्ट हो जाएंगे, तीसरी कैटेगरी है। एंड टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव द वे ऑफ, इसके बाद बेटा फोर्थ कैटेगरी आएगी अल्पाइन वेजिटेशन, प्योर हम इसको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो आपके रशिया में आपको मिलेंगे। अल्पाइन वेजिटेशन सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन्स, बर्च, ये आपके ट्रीज बेटा यहां शुरू हो जाएंगे, राइट। और इस एरिया में स्नोफॉल भी होती है। आर द कॉमन ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट, ये कॉमन ट्रीज है इस एरिया में जो फिफ्थ कैटेगरी है। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंड एट द अप्रोच द स्नो लाइन, और जैसे स्नो लाइन के पास जाएंगे, स्नो होता नहीं कम होता है बेटा सीजनली, बट जैसे स्नो लाइन के पास जाएंगे, परमानेंट स्नो के आसपास जाएंगे, तो इनकी हाइट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। स्टंड मीन्स छोटे होते जाएंगे और इनका साइज कम होता जाता है। अल्टीमेटली थ्रू द श्रब्स एंड स्क्रब्स, और लास्ट में झाड़ियों के रूप में मिल जाते हैं स्नो लाइन के पास, जहां परमानेंटली स्नो होती है कवर्ड, ओके। दे मर्ज इन टू द अल्पाइन ग्रासलैंड, और यहां भी अल्पाइन ग्रासलैंड स्टार्ट हो जाएगी, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड स्टडी टेम्परेट फॉरेस्ट का टेम्परेट ग्रासलैंड, तो अल्पाइन के बाद अल्पाइन ग्रासलैंड याद रहेंगे चारों। ये एक फर्स्ट हो गया आपका वेट टेम्परेट, वेट टेम्परेट टेम्परेट, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर अल्पाइन, फिर अल्पाइन ग्रासलैंड। चलिए लास्ट कैटेगरी देखते हैं। दीज आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग द नॉमेडिक ट्राइब्स, तो नॉमेडिक ट्राइब जो है बेटा अल्पाइन ग्रासलैंड में अपने बकरी वगैरह चलाते हैं इंडिया में, बकरवाल वगैरह, ठीक है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स है, लाइक गुज्जर एंड द बकरवाल्स इन जे एंड के एंड उत्तराखंड एट द हाई एल्टीट्यूड मॉसेज। इसके बाद लास्ट कैटेगरी बेटा बहुत ऊपर स्नो लाइन से ऊपर हम बात करते हैं, जब थोड़ी बहुत स्नो की जगह मेल्ट होती है, तो वहां मॉसेज एंड लिकन, ये दो ग्रासेस है बिल्कुल बल की जाए एलगी टाइप की है, बिल्कुल हल्की लेयर होती है ग्रीन कलर की, और ये वेजिटेशन में ही काउंट होती है बेटा, मॉसेज एंड लिकन ग्रासेस है ये, फॉर पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। लास्ट जो हमें टुंड्रा हम बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्थ पोल के आसपास जो आपका एरिया है रशिया का, वहां पे टुंड्रा वेजिटेशन है, वही टुंड्रा वेजिटेशन बेटा आपको यहां मिलेगी मॉसेस एंड लिकन, ठीक है। तो यहां वेजिटेशन कम्प्लीट होता है। लास्ट पैरामीटर इसके एनिमल्स के बारे में दिया है, और ये भी आपको बेटा देखिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे एनटीएससी में, उनमें डिफरेंट एनिमल्स को मिक्सअप करते हैं, ठीक है। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, तो इसमें अधिकतर आप इजिली पहचान जाएंगे, सारे कहने का माउंटेन रिलेटेड है, जैसे कश्मीर स्टैग, कश्मीर मृग, कश्मीर हिमालय में हो गया माउंटेन्स, स्पॉटेड डियर, इसमें थोड़े धब्बे होते हैं बेटा, ये भी हिमालय में मिलता है, वाइल्ड शीप, ओके, ये भी बेटा जेएंडके में ऊंचे पहाड़ों में मिलती है, जैक रैबिट, ये रैबिट है जिसके बड़े बड़े कान होते हैं बेटा, इसको जैक रैबिट बोलते हैं, ये भी माउंटेन्स में मिलता है, तिब्बत एंटीलॉप, तिब्बत आपका माउंटेन में एंटीलॉप, ये भी एक हम कह सकते हैं भेड़ और थोड़ा हिरन का मिक्सअप सा है, लंबी गर्दन होती है इसकी, याक हो गया ये भी माउंटेन में, स्नो लेपर्ड, स्नो बता रहा है वर्ड, ये भी हिमालय में, स्क्रेल, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट स्क्रेल्स यानी जो गिलहरियां वो भी यहां मिलती है, सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स ये भी आपको वहां मिलेगा, बियर मिलेगा, रेयर रेड पांडा ये भी स्पेसिफिक स्पीसीज है, शीप एंड गोट्स विद द थिक हेयर, सबके थिक हेयर फॉर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट कैटेगरी चलते हैं बेटा मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो यहां वर्ड आया मैंग्रोव, ये अपने आप में बताया बेटा जो डेल्टा है आपके उनसे रिलेटेड ये फॉरेस्ट है। चलिए द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट, इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, दोरसा नाम है इसका टाइडल फॉरेस्ट, जहां टाइड्स आते हैं, ठीक है। आर फाउंड इन द एरिया ऑफ अ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय द टाइड, मड एंड सिल्ट गेट एक्युमुलेटेड इन द सच कोस्ट एंड डेंस मैंग्रोव आर कॉमन वेराइटीज ऑफ द रूट्स। तो डिफरेंट वेराइटी के बेटा यहां आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, जहां पे मड और सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, तो जब लो टाइड होता है तो वहां फ्रेश वाटर आ जाता है, और जब हाई टाइड होता है तो वहां साल्टी वाटर आता है, तो ये ट्रीज दोनों टाइप के वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं या मैंग्रोव। यहां आपको पिक्चर दिए इस तरह के ट्रीज होते हैं बेटा, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक अच्छा पिक्चर दिया है, और जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहां आपको इसी तरह के ट्रीज मिलेंगे। चलिए और द प्लांट समर्स अंडर द वॉटर एंड द डेल्टा ऑफ द गंगा, द महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, हमारी जितनी रिवर है ईस्ट वॉर्ड वो सारी डेल्टा बनाती है, सभी के आसपास बेटा आपको इस तरह की वेजिटेशन मिलेगी। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज, गंगा ब्रह्मपुत्र में जो फेमस ट्री है वहां सबसे ज्यादा डेंस है बेटा सुंदरी ट्री, बहुत ज्यादा है, इसी ट्री के नाम से उसको सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड द ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, अच्छी हार्ड टिम्बर है बेटा इसका, पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगार, ये कुछ और ट्रीज है जो आपको इसी वेजिटेशन में मिलेंगे मैंग्रोव में, ठीक है। बट मोस्ट कॉमन बेटा हमारा जो सुंदर डेल्टा उसमें सुंदरी ट्री मिलता है, इसके अलावा पाम, कोकोनट, केवड़ा और अगार ये और मिलेंगे। आसो गेंद डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर इज अ फेमस एनिमल, आप देखिए डेल्टास की बात करें तो यहाँ पे फेमस है
गंगा ब्रह्मपुत्र में वर्ल्ड वाइड फेमस है बेटा। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें डिसीपर का पूछा है, आप इसको लिख सकते हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ आपकी बेटा वेजिटेशन का एक बॉक्स दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है और एनटीएससी में हर बार बेटा एक क्वेश्चन इसका रिपीट होता है, आता भी है। ठीक है, चलिए तो सबसे ऊपर लिखा है मेडिकल प्लांट्स। मेडिकल मीन्स जो मेडिसिन के काम आते हैं। सो इंडिया इज नॉन एज द हर्ब एंड स्पाइसेस, अपनी हर्ब और स्पाइसेस, आयुर्वेद आपने पढ़ा होगा, इनके लिए बेटा पूरे वर्ल्ड में बेटा इंडिया जाना जाता है एंसियंट टाइम से, यानी पुराने जमाने से। सम 2000 प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में 2000 प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन दिए, उनके यूज दिए, राइट, उनके औषधि गुण कह सकते हैं, मेडिकल उनकी फीचर्स दिए। ठीक है, एंड एटलीस्ट 500 आर रेगुलर यूज, और जिनमें से 2000 में 500 रेगुलर यूज है। रेगुलर मीन्स आम आदमी अपने घर में रसोई में उनको यूज भी करता था। ठीक है, द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट, बेटा ये खतरनाक जो स्पीसीज है जो खत्म होने वाली है हमारी वेजिटेशन, उनकी लिस्ट है, रेड लिस्ट बोलते हैं इसे। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने रेड लिस्ट बेटा बनाई थी, हैज नेम 352 मेडिकल प्लांट, जिसमें 352 मेडिकल प्लांट थे इसी तरह के जो इंडिया में मिलते हैं। ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटन, जिसमें से हम बात करते हैं 52 क्रिटिकल थ्रेटन, यानी कभी भी वो खत्म हो सकते हैं। 49 एंडेजर्ड है, वो भी खतरे में है। द कॉमनली यूज प्लांट ऑफ इंडिया आर, अब कॉमन 352 मेडिकल प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट है जो इंडिया में बहुत बड़ी स्केल पे लंबे टाइम से बेटा उनको घरों में यूज करते हैं। नंबर वन पढ़ते हैं बेटा शर्पगंधा, इनकी फीचर्स नोट कर लेना प्लीज, ये किस यूज में आते हैं। तो आपको क्वेश्चन इसी का यही मिलेगा मैथ्स दो कॉलम में या ओड वन आउट में। ठीक है, आपको फीचर मिल जाएगी, प्लांट्स दिए होंगे तो किससे रिलेटेड है ये होगा, या मैथ्स दो कॉलम मिलेगा। देखिए शर्पगंधा फर्स्ट है, तो ये ब्लड प्रेशर में आता है बेटा काम। इट फाउंड ऑल इंडिया, और सिर्फ देखिए कितनी चीज, ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी आयुर्वेदिक शॉप्स है उन पर शर्पगंधा अलग से बेटा आपको मिलेगा, ये बीपी की बेस्ट दवाई है। नेक्स्ट है जामुन, जो हम फल की तरह खाते हैं, ये बेटा आयुर्वेदिक भी है और मेडिकल हर्ब्स में भी काउंट होता है। द जूस ऑफ द रिप फ्रूट, रिप इन पके हुए जूस यूज फॉर प्रिपेयर द विनेगर, इसे विनेगर बनता है जो सिरका बोलते हैं। और कर्मेटिव एंड डायरेटिक, ये कर्मेटिक और डायरेटिक होता है, डाइजेशन में अच्छा हेल्प करता है एंड हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, वो डाइजेशन के लिए ही बेटा, ये दोनों जो आपके हैं टर्म्स है ये डाइजेशन को अच्छा सुधारते हैं। ठीक है, एंड द पाउडर ऑफ द सीड, यानी जो आपका जामुन है उसका अगर सीड की बात करें वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है बेटा। इसमें देखिए रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम एक बार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को। ठीक है, तो जैसे बीपी की बात करें तो यूज टू ट्रीट, ये ट्रीट के लिए यूज होता है, ब्लड प्रेशर सर्पगंधा पड़ा है, आगे एक आएगा रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये रेगुलेट करता है, ऊंचा नीचा नहीं करता, उसको नॉर्मल बनाता है। तो इन टर्म्स के बेस पे भी कई बार बट्टे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टर्म्स अलग अलग के लिए यूज हुई है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सी टू कंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज को कंट्रोल करता है और डाइजेस्टिव के लिए, कौन सा प्लांट था आपका ये, दैट इज जामुन। ठीक है, नाउ कम टू द अर्जुन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे फॉरेस्ट में बहुत मिलता है बेटा। द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स, इसके पत्तों का जूस, जो फ्रेश जूस है वो क्योर द इरेचेस, इरेचेस मीन्स जो आपके खाज खुजली जितनी बीमारियां होती है स्किन डिजीज उनमें काम करता है बेटा। इट इज ऑल्सो यूज रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये रेगुलेट करता है, ये आपका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ये आपके बीपी को कंट्रोल रखेगा पास, ये इलाज भी हम कह सकते हैं, बट ये रेगुलेशन में काम आता है। इसके रेगुलेट वर्ड यूज करना अर्जुन में, और सर्पगंधा में ट्रीट का वर्ड यूज, वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है दवाई के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है बबुल, कीकर, आपको याद होगा दातुन वगैरह हमारे सभी एंसेंट पीपल करते हैं, आज लोग भी अब भी गांव में कई लोग करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। लीव्स आर यूज एज ए क्योर ऑफ आई सोर, आंखों की कैसी बीमारी बेटा उसमें इसका लीव्स का जो है जूस होता है वो काम आता है बेटा। इट्स गम्स यूज फॉर टॉनिक, इसका गम जो हम गूंद के लड्डू बाग करते हैं वो कीकर का एक बेटा गम होता है, वो टॉनिक के रूप में यूज होता है। ठीक है, बॉडी के लिए। नेक्स्ट है बेटा नीम, ये फेमस है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है इंडिया का नीम, और ये पूरा बेटा एंटीबायोटिक होता है, हर चीज इसकी काम आती है, हाई एंटीबायोटिक, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक यूज होता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया से भी छुटकारा मिलता है, इसका पानी में मिला के इसकी पत्तियां या फिर गर्म पानी, कई तरह से बेटा लोग इसको यूज करते हैं। इसका जो ट्रंक है उसके ऊपर जो हम कहते हैं ना जो इसकी छाल होती है वो भी कई जगह बेटा काम आती है। ठीक है, लास्ट चलते हैं बेटा, सेकंड लास्ट तुलसी प्लांट, ये हमारे घरों में बड़ी स्केल पे बेटा यूज होता है। इट यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड, कफ कोल्ड को बेटा ये क्योर करता है, हम चीनी सॉरी अपनी जो चाय वगैरह उसमें इसकी पत्तियां डाल के उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसका एक और यूज है जो यहां दिया नहीं है, ये आसपास के एरिया को बेटा कहीं ना कहीं कीटाणु मुक्त भी बनाता है, जिस एरिया में तुलसी होती है उसके आसपास बड़ी बीमारियां घर नहीं बना पाती है। ठीक है, इसका है रीजन।
नेक्स्ट है कचनार, ये भी काफी अच्छा है बेटा पौधा, और इसकी फीचर थोड़ी अलग है, इट यूज टू क्योर अस्थमा, जो सांस की बीमारी वो, और अल्सर, पेट में जो पेट में पेट से रिलेटेड बीमारी है बेटा अल्सर, इनका सॉल्यूशन ये क्योर करता है बेटा ये। द बर्ड्स एंड द रूट ऑफ गुड फॉर डाइजेशन, ये भी डाइजेस्ट के लिए, देखिए बर्ड्स एंड रूट्स इसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, डाइजेस्टिव का इससे पहले हमने जामुन भी पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने दो वर्ड पढ़े कैमेटिक और डायरेटिक, वो इसकी फीचर है, विनेगर उसका सिरका बना के यूज होता है डाइजेशन के लिए, यहां इसके बर्ड रूट सीधे यूज होते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई मोर मेडिकल प्लांट, ऐसे बहुत से मेडिकल प्लांट है आपके घरों पर यूज होते हैं, जिसमें हम कहते हैं लहसुन है बेटा, अदरक है, ऐसे बहुत से चीजें जो कॉमन ऊपर हमने फाइंडर पड़े वो हमारे घरों में आज भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में हम वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करेंगे, ओके okay.